जी तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट का वेरिफिकेशन कोड नहीं आता तो उसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं कि मेरे नंबर पर वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा। मैं इधर नंबर लिख लेता हूं, उसके बाद मैं ओके कर लेता हूँ। इधर आप लोग देख सकते हैं कि ये टाइम लगा हुआ है और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा। तो उसके बाद आप लोगों ने सेटिंग में चले जाना है। इसको सॉल्व करने के लिए सेटिंग में चले जाना है और यहाँ से आप लोगों को ऐप सेटिंग में चले जाना है, ऐप मैनेजमेंट या ऐप सेटिंग लिखा होगा, तो उधर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने ऐप सेटिंग में जाना है और ऊपर आप लोगों ने इधर व्हाट्सएप फाइंड कर लेना है या ऊपर सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से व्हाट्सएप को ओपन करना है और स्टोरेज एंड कैशे में जाना है। और यहाँ से आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ से आप लोगों को क्लियर कैशे करना है और क्लियर डेटा कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने बैक आ जाना है। या फ्रेंड, आप लोग दोबारा से व्हाट्सएप को डिलीट करके दोबारा से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं अगर ये प्रोसेस नहीं करना चाहते। तो फ्रेंड, इधर मैं अभी दोबारा नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने ओके किया है और यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इधर मैं रिसेंट कोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप ऑटोमेटिक ही वेरिफिकेशन हो गया है। उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पे कर अलाउ पे, ये आप लोगों को परमिशन इनेबल करनी होगी। तो फ्रेंड, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप अकाउंट ओपन हो के आ चुका है। यहाँ से आप लोगों ने गिव परमिशन जहाँ पर लिखा हुआ है, इसको अगर चाहें तो इधर से कर सकते हैं ताकि आप लोगों का व्हाट्सएप का बैकअप बन के आ जाए। या उसके बाद आप लोगों ने अपना नेम लिख लेना है, अगर ऑप्शन आए तो इधर से आप लोग अलाउ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से आप लोगों का व्हाट्सएप अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।